चाहे बच्चों का टिफिन हो या फिर सुबह सुबह जल्दी में कुछ हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनाना हो, ये रेसिपी आपके बहुत काम की है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे से बनी हुई एक नहीं बल्कि दो बहुत बहुत हेल्दी, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये रेसिपी बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप पोहा। पोहा आप कोई से भी मोटे या बारीक दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप ही लिया है अगर आप 4 लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और इस पोहे को हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं 1 से 2 बार ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए। तो देखिए मैंने इनको वॉश कर लिया है। अगर आपको लगे कि पोहा एकदम क्लीन है तो आप उसको सूखे भी पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वॉश कर लेने से ना डस्ट वगैरह निकल जाते हैं और मन को संतुष्टि रहती है कि चलो ये साफ हो गया। अब इस पूरे भीगे हुए पोहे को हम डाल देंगे 1 मिक्सी के जार में, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बारीक सा प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, लगभग मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। और देख सकते हैं पोहे का जो पेस्ट है हमारा एकदम स्मूथ सा पीस कर तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप चाहें तो बिना पोहे का भी बना सकते हैं, लेकिन जो पोहा होता है ना सुबह के नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि वो आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है, इंस्टेंट एनर्जी देती है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। स्पेशली बच्चों को तो ज़रूर से देना चाहिए। पोहा हमने मिक्सर बाउल में डाल दिया है। अब इसके साथ डालेंगे 1/2 कप सूजी। तो यहाँ पर अगर आप बारीक वाली सूजी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने 1/2 कप डाला है 1 कप पोहे के साथ। और अब डाल देंगे इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच दही। दही को आप चाहें तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन सूजी वाले किसी भी नाश्ते में थोड़ी सी दही डालने से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सूजी, पोहा और दही को अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से पानी अब्जॉर्ब कर ले। फिर हम इसे अपने हिसाब से, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से इसको हम तैयार करेंगे। तो इसको हम 5 मिनट अच्छे से मिलाकर साइड में रख देंगे। तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, एकदम बढ़िया से पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है और एकदम बढ़िया सी हमारी कंसिस्टेंसी तैयार होने वाली है। तो इसमें हम लगभग 4 चम्मच पानी डाल देंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, बहुत पतला हमें प्यूरी नहीं बनाना है। तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आप इतना ही गाढ़ा रखिएगा। ये बैटर से हम 2 रेसिपीज तैयार करेंगे, तो दोनों रेसिपीज़ को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है पानी अच्छे से डाल करके। चलिए इसमें अब डाल देंगे हम स्वाद के हिसाब से नमक। और इसमें बढ़िया सा एकदम फ्लफ़ी टेक्सचर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। आप यहाँ पर चाहें तो खाने का सोडा यानी मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1/2 छोटी चम्मच। तो यहाँ पर मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही फ्लफ़ी, एकदम सॉफ्ट बनेगा और लाइट बनेगा। तो अच्छे तरीके से इनको मिला लें। ध्यान रहे इसे तभी मिलाइएगा जब आपको तुरंत ये नाश्ता तैयार करना हो, मिला कर रखने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब इस बैटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम इसी बैटर से 2 तरह के नए नए नाश्ते आपको बनाना बताएंगे। तो देख सकते हैं मैंने 1/2 मिक्सर निकाल दिया है एक अलग बोल में, इसको साइड में रख दें, लास्ट में बनाएंगे। और अब इस बचे हुए मिक्सर से हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं इडली स्टैंड, और अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप क्या करें, कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल करके इसको हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इडली को बनाएँ तो इडली आसानी से निकल सके। पोहे की इडली तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन ये इडली को हम एक अलग टेस्ट के साथ बनाने वाले हैं, बढ़िया सा फ्लेवर और दमदार सा टेस्ट देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इडली का जो बैटर है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम सांचे में भर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि ये जो पोहे से बनी हुई इडली होती है ना बहुत ज़्यादा फूलती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भरेंगे। और चलिए अब हम इसको कुक करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कढ़ाई में 2 कप पानी डाल दिया है। पानी जैसे ही गर्म हो जाता है हम ये इडली स्टैंड डाल देंगे इसके अंदर और 5 मिनट के बाद इसको वापस से चेक करेंगे। तब तक चलिए हम इसके लिए बहुत ही स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे। मैंने 1 कढ़ाई गर्म होने रख दी है और इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। और इसके साथ जैसे तेल गर्म होता है 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे सरसों के दाने। इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी अदरक के लच्छे मैंने लिए हैं बारीक बारीक काट करके। आप चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट करें। हल्का सा इन सारी चीज़ों को भुनेंगे, ध्यान रहे ज़्यादा कलर चेंज ना हो, बस तेल में हल्का सा फ्लेवर आ जाए।
तो अब यहाँ पर इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें टमाटर, खीरा, शिमला, प्याज और थोड़ी सी धनिया के पत्ते लिए हैं। बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप किया है। आप यहाँ पर बीट रूट ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं। जो भी सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते हैं ना, उनको आप इस तरीके से इसमें मिला सकते हैं ताकि बच्चों को उनका बेनिफिट मिले। सारी सब्जियों को हम डालकर तेल में एक मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हल्का सा ये सिक जाए, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए सब्जियाँ हमारी हल्के से सिक गई हैं। इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के हिसाब से, एक टीस्पून डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ताकि इस मिक्सचर का कलर अच्छा आ जाए। और अब यहाँ पर बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला एक बड़ा चम्मच। ज़रूर डालिएगा, इतना गजब का स्वाद आता है ना कि आप हैरान रह जाएंगे इसको खाने के बाद से। तो ये पाव भाजी मसाला मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे। ये पाव भाजी मसाला मैंने घर पर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए और सब्जियां भी हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने लगभग आधा कप के आसपास पानी डाला है ताकि सब्जियां भी अच्छे से सॉफ्ट हो सके और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छे से इसमें आ सके। तो चलिए इसको अच्छे से एक समान कर देते हैं और ढक कर 2-3 मिनट पका लेंगे। तब तक देख सकते हैं हमारी इडली भी तैयार हो गई है अच्छे से फूल करके, और मैं आपको इन्हें निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा रुई की तरह नरम बने हैं। ये देखें बढ़िया से एकदम जाली भी आई हुई है क्योंकि हमने इसमें पोहे का यूज़ किया है ना। कि इडलियाँ इतनी सॉफ्ट होती है ना कि अगर आप इसको जूस में डालेंगे ना तो ये जल्दी से जूस को अब्सॉर्ब करके एकदम रुई की तरह हो जाती है। देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो जब भी आप सूजी की इडली बनाएं थोड़ा सा पोहा ज़रूर डालिएगा, वो हेल्दी भी होगा और सॉफ्ट भी बनेगा। अब इन इडलियों के हम क्या करेंगे, थोड़े पीसेस कट कर लेंगे। तो मैंने छोटी वाली बनाई थी इडली, इसलिए मैंने 2 टुकड़े काटे हैं। अगर आपके पास इडली स्टैंड बड़ी है तो आप 4 टुकड़े काट सकते हैं। सारी इडलियों को काट लिया है, तब तक देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और गजब की खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि हमने इसमें पाव भाजी मसाला डाला था। सब्जियाँ अच्छे से नरम हो गई हैं तो इसको हमें पाव भाजी की तरह थोड़ा सा मैश करना होगा ताकि जो सब्जियाँ हैं वो इस तरीके से साबुत ना दिखें, हल्की सी इसमें मिक्स हो जाए मसालों के साथ। और ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इनको मिला लिया हल्का सा मैशर से। अब इसमें क्या करेंगे, फटाफट से हम ये कटी हुई इडलियाँ डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें आप नींबू का रस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कच्चे आम, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो आप यहाँ पर कच्चे आम डाल करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कच्चे आम नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। कच्चे आम को मैंने थोड़े से पतले पतले लच्छे में काटा है ताकि मसालों में डूब कर ये और भी ज़्यादा चटपटे लगे। तो अच्छी तरीके से मिलाएंगे हल्के हाथों से, क्योंकि इडलियाँ बहुत सॉफ्ट हैं इसलिए इनको हल्के हल्के धीरे धीरे मिलाएं और थोड़ी देर ढक देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से इडलियों में आ जाए, फिर हम इनको सर्व करेंगे। और ये लीजिए हमारी मसाले वाली ये पाव भाजी वाली इडली तैयार है। आप इसको सुबह सुबह नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं या फिर शाम के इस टाइम आप टी टाइम में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत बहुत हेल्दी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको खाने के बाद पाव भाजी आपको फीकी लगेगी, तो एक बार ज़रूर बनाइए। चलिए अब बनाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी जो कि बहुत बहुत हेल्दी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके लिए हम बचे हुए मिक्सचर में डालेंगे कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून शिमला मिर्ची, 2 टेबलस्पून बारीक कटे प्याज, थोड़ा सा खीरा और थोड़ी सी धनिया के पत्ते, साथ ही मैंने 1 हरी मिर्च ली है। अगर आपको मिर्च नहीं डालनी है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से इसमें भी चेंज कर सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरीके से इस बैटर में मिला लेंगे, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। थोड़ा सा इसमें डालेंगे सफ़ेद तेल लगभग 1 टीस्पून के आसपास, और अब इसमें डाल देंगे हम मैगी मसाला 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर ये टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है इसलिए मैगी मसाले का यूज़ किया है। आप चाहें तो गरम मसाला, सांभर मसाला या फिर आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा ही डालिएगा, अच्छे से मिला लेते हैं। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो बैटर आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा होना चाहिए इस तरीके से। और अब इसको कुक करने के लिए मैंने लिया है ये अप्पे पैन। अप्पे पैन में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है, साथ ही अब इसमें डालेंगे सरसों के दाने, और जैसे ही सरसों के दाने क्रैकल होते हैं हम इसमें ये बैटर इस तरह से भर देंगे और एक साइड हम इनको अच्छी तरीके से सिकने देंगे। अभी मैंने फ्लेम को कम रखा है, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा नहीं तो जल सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइड से ये बढ़िया से सिक कर एकदम गोल्डन हो गए हैं। तो अब इनको हम टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड भी हम इनको सेक लेंगे। दोबारा से तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं, बस इनको गोल्डन करना बाकी है। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म अप्पे भी बनकर तैयार है, बहुत बहुत हेल्दी, बहुत बहुत टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हमारी दूसरी रेसिपी भी बहुत ही औसम बनती है। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी बेस्ट लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस रेसिपी को अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
किसी भी चटनी के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। वैसे ये बिना चटनी के भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि रोज़ आपके पास एक नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।